गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ इन दिस यूनिट। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है। वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे कि वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता क्या है। इन शॉर्ट रन, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली, द प्रोपोर्शन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल चेंज। इसका मतलब ये हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि अ फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेस बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स दोनों को यूज करके कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। वेरिएबल फैक्टर हो गया जैसे लेबर हो गया, इसको चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, जब टाइम आपको काफ़ी कम रहता है उस समय। और फिक्स फैक्टर्स उस फैक्टर्स को बोलते हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम में, जैसे लैंड हुआ, ज़मीन खरीदना तुरंत संभव नहीं है, या मशीन्स को परचेज करना तुरंत संभव नहीं है, एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करना, बनाना, ये आपको तुरंत संभव नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स दोनों को यूज किया जाएगा, लेकिन यदि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, यदि आउटपुट को बढ़ाना है, तो वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ाया जा सकता है आउटपुट बढ़ाने के लिए, फिक्स फैक्टर्स को नहीं बढ़ाया जा सकता। देयरफोर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस दैट वी आर डिस्कसिंग इज कंसीडरिंग इन शॉर्ट रन पीरियड, इन शॉर्ट टाइम। ऑल ऑफ अस आर नोइंग दैट देयर इज शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड, ठीक है। इन लॉन्ग रन पीरियड, लंबा टाइम में आपको फिक्स फैक्टर्स कुछ भी नहीं होता है, सब वेरिएबल फैक्टर्स होता है, किसी भी चीज़ को चेंज किया जा सकता है। दो चार साल, पाँच साल हम लोग चाहेंगे तो एक फैक्ट्री भी बना सकते हैं, हम लोग मशीन्स भी परचेज करते हैं, हम लोग जमीन भी, लैंड भी परचेज कर सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको शॉर्ट पीरियड में वर्क करता है, और इसमें आपको एक जो है जो वेरिएबल फैक्टर है केवल वही चेंज होगा, फिक्स फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो वही बोला यहाँ पे कि इन शॉर्ट रन, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली, द प्रोपोर्शन बिटवीन द फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल चेंज। और टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, देयर आर सम रेशियो ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, रेशियो है, सो दैट रेशियो विल चेंज। देयरफॉर इट इज नॉट वेरिएबल प्रोपोर्शंस, मीन्स प्रोपोर्शंस रेशियोज ऑफ फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स विल चेंज एज वी इंक्रीज द आउटपुट। तो जब एक फर्म आउटपुट को इंक्रीज करेगा तो जो रेशियो होगा फिक्स फैक्टर्स का एंड वेरिएबल फैक्टर्स का वो चेंज होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स हमेशा सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते जाएगा, इसीलिए उसका रेशियो भी चेंज होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है एंड लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर है। तो जब कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसमें वन लैंड, वन यूनिट एंड वन यूनिट ऑफ लेबर को यूज किया जा रहा है, तो रेशियो है 1:1। लेकिन जैसे ही अब जो है फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, अब वो चाह रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करे, सो दैट जो डिमांड है उसको पूर्ति किया जा सके, डिमांड का जो है सप्लाई को पूर्ति किया जा सके, तो क्या किया, क्योंकि लैंड को तो इंक्रीज कर नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ लैंड बिकॉज देयर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द फिक्स फैक्टर्स। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो आपको टू हुआ, लेबर को इंक्रीज कर दिया, लेबर को इंक्रीज किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में, तो रेशियो हो गया 1:2, पहले था 1:1, अब हो गया रेशियो 1:2। फिर आपको जब एक यूनिट और आउटपुट को प्रोड्यूस किया, बढ़ाया, तो फिर आपको रेशियो हो गया 1:3, लेबर को बढ़ाया जा रहा है,
जो लैंड है उसको फिक्स रखा गया, लेकिन जो लेबर है उसका जो आपको नंबर्स को बढ़ाया जा रहा है। फिर हो गया आपको 1:4, तो देखिए लेबर 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, सो दीज आर द वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेज। तो यहाँ पे जो रेशियोस है, जो प्रोपोर्शंस है, वो चेंजेज हो रही है। नाउ अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है, जो वेरिएबल फैक्टर है केवल वही चेंज हो रहा है, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो एक फैक्टर जो चेंज हो रही है, जो लेबर चेंज हो रही है, उससे क्या रिटर्न्स मिल रहा है, उससे क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे हम लोग ज़्यादा ज़्यादा लेबर को हायर कर रहे हैं तो क्या रिटर्न दे रहा है, क्या जो है कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है, इसी को बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू अ फैक्टर यानी कि एक फैक्टर को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, वेरिएबल फैक्टर को, लेबर को, और उससे जो रिटर्न्स हो रहा है। इसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये दोनों आपको एक ही चीज है। द लॉ सेज दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेज। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टार्टिंग में जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर को हम लोग जब हायर करते हैं, यूज करते हैं, जैसे यदि आउटपुट को इंक्रीज करना है तो यदि हम लोग एक लेबर को एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जब हम लोग आउटपुट बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हम लोग हायर करेंगे तो स्टार्टिंग में जो लेबर हायर करेंगे वो ज़्यादा आउटपुट देगा। ठीक है, विथ इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट फॉलोइंग। लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशंस है आपको लेबर का, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। यानी कि जब पहला लेबर को आप बढ़ाए तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद जो लेबर को आप बढ़ाए तो वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बाद जो बढ़ाए वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन दिया, इस तरह से कंट्रीब्यूशन कम होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एक्स्ट्रा लेबर आप हायर करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। सो नॉट इवन दैट, वन टाइम ऑल्सो कम व्हेन वी हायर मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, वी आर हायरिंग मोर एंड मोर लेबर, देन इट्स कंट्रीब्यूशन विल बिकम निगेटिव। निगेटिव भी हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उसको तो सैलरी देना होगा, उसको तो उसका कॉस्ट तो आपको इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं होगा, तो निगेटिव में चला जाएगा। तो वही आपको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहाँ पे बोल रहा है कि द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेस, यानी कि उसका आउटपुट इंक्रीज होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा स्टार्टिंग में लेबर का ज़्यादा होगा, विथ इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल एम्प्लॉयमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग ज़्यादा ज़्यादा लेबर को हायर करेंगे तो उसका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कम होते जाएगा। क्यों, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण यह है कि देखो, जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, उसको चेंज हम लोग कर नहीं रहे, तो हर एक चीज़ का एक जो है एक सीमा लिमिटेशन होता है। जब तक आपको जो जो आपको कैपिटल है, जो आपको फिक्स फैक्टर, जैसे लैंड है या फिर फैक्ट्री है, जो मशीन है, तो जब तक उसमें कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने का, लेबर को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि लेबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब उसका कैपेसिटी से ज़्यादा जो है लेबर जो है आपको हो रहा है, ज़्यादा अब उसका ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा फिर भी जो है उसको आप हायर करते जा रहे हैं, तो ये आपको एक बड़ा फैक्टर होता है जिसके चलते जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम करता है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है आगे भी डिटेल्स में हम लोग वर्क करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन चीज को डिस्कस करेंगे, वो तीन चीज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड निगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, ये तीन रिटर्न्स है, तो इसमें हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्यों स्टार्टिंग में आउटपुट बढ़ता है, फिर क्यों आउटपुट घटने लगता है, और फिर आउटपुट क्यों निगेटिव हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इस लॉ का कुछ एजम्पशंस है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल, मींस वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल, जैसे लेबर, वो आपको एक वेरिएबल फैक्टर रहना चाहिए, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल रहेगा, बाकी जो भी फैक्टर्स है वो सब आपको फिक्स्ड रहेगा। इट इज अ शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपको शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग पीरियड में आपको फिक्स फैक्टर्स कुछ भी नहीं होता है। इन लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, बिकॉज
इन लॉन्ग पीरियड वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इवन द फिक्स फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी चेंज, कैन ऑल्सो बी इंक्रीज. फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल. उसके बाद यह है कि जो फैक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल हो गया, यानी कि उसका जो रेशियो है चेंज होते जाएगा. जैसे अभी हम देखे थे हम लोग पिछला स्लाइड में कि लैंड का जो रेशियो था 1:1:1:1, और जो आपको लेबर का था वो चेंज हो रहा था 1:2:3:4. तो ये जो आपको रेशियो वेरिएबल होना चाहिए वही बोल रहा है. नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस. नेक्स्ट ये है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स है, जो लेबर है, उसका जो एफिशिएंसी होना चाहिए होमोजेनियस होना चाहिए, यानी कि एक समान होना चाहिए. सभी लेबर जो है इक्वल एफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि कोई कम एफिशिएंट है कोई ज़्यादा एफिशिएंट है, सभी होमोजेनियस है. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. और जब प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उस समय जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. फिर जाकर के लॉ काम नहीं करेगा यदि ऐसा होगा तो. चलिए अब इस लॉ को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एक शेड्यूल के द्वारा समझते हैं, एक टेबल के द्वारा समझते हैं. पहला, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, जो वेरिएबल फैक्टर इससे कि आपको लेबर हो गया उसका यूनिट्स दिया हुआ है. यह टोटल प्रोडक्ट्स, यानी कि कितना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है, कितना आउटपुट जो है प्रोड्यूस हुआ है टोटल में. यह हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट्स. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जो लेबर है, जो एक्स्ट्रा लेबर हम लोग हायर कर रहे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो कितना आउटपुट दे रहा है. तो जब आपको वन लेबर को हायर किया गया तो उसमें टोटल प्रोडक्ट था 2 और मार्जिनल प्रोडक्ट था आपको 2. ठीक है, क्योंकि एक ही लेबर है, तो एक ही लेबर है तो उसमें टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों एक ही होगा. उसके बाद आउटपुट को बढ़ाने के लिए जैसे हम लोग सेकेंड लेबर को, दूसरा लेबर को हम लोग हायर किए हैं, तो आउटपुट हो गया आपको 5. एक लेबर में 2 आउटपुट हो रहा था, 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड लेबर को हायर किए तो अब कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 3 हो गया. पहले 2 था, अब हो गया 5, तो 3 इंक्रीज हुआ. तो ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, हो गया 3. आउटपुट को और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए, तीसरा लेबर को हायर किए, एक और लेबर, एक्स्ट्रा लेबर को हायर किए, तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 9 हो गया. ठीक है, पहले 5 था, 5 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, अब 9 गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है. यानी कि कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया. तो देखो, जो दूसरा लेबर को हम लोग हायर किए थे तो वो 3 गुड्स को प्रोड्यूस किया था, जब हम लोग तीसरा थर्ड लेबर को हम लोग हायर किए हैं तो वो 4 गुड्स को प्रोड्यूस कर, यानी कि आपको जो आउटपुट जो है वो बढ़ते जा रहा है. लोग ज़्यादा ज़्यादा लेबर को हम लोग हायर कर रहे हैं, उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है. उसके बाद जैसे हम लोग फोर्थ लेबर को हम लोग हायर किए हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो आउटपुट आपको 12 हो गया. ठीक है, आउटपुट बढ़ा, पहले 9 था, अब 12 हो गया. लेकिन कितना बढ़ा, केवल 3 बढ़ा, यानी कि चौथा लेबर जो है वहां से आपको आउटपुट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो आपको लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कम होना चालू हो गया. पहले 4 था, अब हो गया 3. जब पांचवा लेबर को हायर किए हैं तो टोटल आउटपुट हो गया 14, लेकिन जो पांचवा लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 2 है. ठीक है, क्योंकि 12 से केवल 14 हुआ है. सिक्स लेबर को जब हायर किए हैं तो आउटपुट हो गया 15, लेकिन जो छठा लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1 गुड है. जब सातवां लेबर को हम लोग हायर किए हैं तो आउटपुट हम लोग का नहीं इंक्रीज हुआ, 15 का 15 ही रह गया, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन 0 हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट. जब आठवां लेबर को हायर किए हैं तो उसमें क्या हुआ, आउटपुट हम लोग का कम ही हो गया, घट हो गया, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन -1. जब नवा हम लोग हायर किए हैं तो आपको फिर आउटपुट कम हो गया 12, यानी कि आपको नवा लेबर का क्या कंट्रीब्यूशन -2 कम होते जा रहा है टोटल प्रोडक्ट. तो ये हम लोग देखे हैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को एग्जांपल के द्वारा. इसमें 3 पार्ट को आपको देखना है. पहला ये पार्ट हो गया पहला, यानी कि थर्ड लेबर तक. यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि आउटपुट जो है पर लेबर आपको इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर हम लोग हायर कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको, उसका कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है. पहला लेबर का 2 था, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ. इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स को हम लोग बोलते हैं. तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि यहाँ जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग है.
जो आपको रिटर्न्स हर एक लेबर जो हम लोग एक्स्ट्रा लेबर को जो हायर कर रहे हैं उसका जो आपको रिटर्न है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इंक्रीज कर रहा है, पहले दो था फिर तीन हुआ फिर चार हुआ। उसके बाद जो आपको ये स्टेज है थ्री से लेकर के और जीरो तक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डी आई एम आई एन आई एस एच आई एन जी, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि उस इस स्टेज में जो आपको रिटर्न्स है हर एक लेबर जो एक्स्ट्रा लेबर हम लोग हायर कर रहे हैं उसका जो रिटर्न्स है उसका जो कंट्रीब्यूशन वो कम होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है, घटते जा रहा है और जीरो तक आया, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज है जिसमें कि आपको निगेटिव हो गया उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। जो आठवां नवां लेबर जो था वहाँ से आउटपुट जो है वो घटना स्टार्ट हो गया है और उस समय जो आपको कंट्रीब्यूशन है एक्स्ट्रा लेबर का वो क्या है, निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी नहीं है, उससे भी कम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स। तो तीन स्टेज यहाँ पे है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में, हम लोग तीन स्टेज को देखें। पहला स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स जहाँ पे हर एक लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रहा है। उसके बाद स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहाँ पे जो है आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तीसरा है स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स, यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो आपको निगेटिव हो रहा है, घटते जा रहा है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एमपी इंक्रीजेस, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एमपी फॉल्स पॉजिटिवली एंड बिकम्स जीरो, जीरो तक जो है ये जा रहा है। स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स एमपी बिकम्स निगेटिव, इसको आप याद रखेंगे। ये तीनों स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यू मस्ट मेंशन दिस थ्री स्टेजेस, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी कंप्लीट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू डिस्कस दिस थ्री स्टेजेस, स्टेजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स वेयर एमपी इंक्रीजेज, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर एमपी फॉल्स, एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अप टू जीरो, एंड थर्ड वन इज स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स वेयर एमपी बिकम्स निगेटिव लेस देन जीरो। ना अब इसी चीज को हम लोग इस ग्राफ में जिसको हम लोग देख सकते हैं, ग्राफ के द्वारा इसको आप देख सकते हैं। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट और ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। हम लोग जब इसका कर्व बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का और टोटल प्रोडक्ट का, इस तरह का कर्व आपको मिल जाएगा। जो प्रीवियस स्लाइड में जो टेबल दिया हुआ उसका आप जो बनाएंगे जब, तो इसी टाइप का आपको जो है कर्व बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपको पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर आपको डिक्रीज हो रहा है और फिर नीचे में आपको निगेटिव हो गया, एक्स एक्सिस से नीचे वो चला गया। और जो टीपी है, जो टोटल प्रोडक्ट है, वो आपको स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, ठीक है, यानी कि उस समय आपको ज़्यादा रफ्तार जो उसका रेशियो रेट जो है बढ़ने का वो इंक्रीजिंग है। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो आपको वो जो उसका जो रेट है वो आपको डिक्रीजिंग रेट है, मीन्स इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, घटते हुए रेट में बढ़ रहा है वो। और जो तीसरा स्टेज है उससे टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है जब आपको एमपी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि जब एमपी आपको नेगेटिव होगा तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, आपको घटने लगेगा। तो इस ग्राफ को आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से इसको जो है आपको देखना है। इसमें जो आपको ध्यान देना वो ये है कि जब आप सबसे पहले आप एमपी का कर्व बना लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का, फिर देखेंगे कि एमपी कहाँ तक बढ़ रहा है। जहाँ तक एमपी बढ़ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ तक थर्ड यूनिट तक एमपी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे टीपी का शेप इस तरह का होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से उसका कर्व होगा कन्वेक्स की तरह। और उसके बाद जैसे ही आपको एमपी घटने लगेगा, देखिए सेकेंड फिर थर्ड यूनिट के बाद जो है एमपी नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपको टोटल प्रोडक्ट होगा वो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो शेप होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे शेप इस तरह का हो जाएगा। यदि पहले कन्वेक्स है तो फिर नेक्स्ट में हो जाएगा कनकेव, हो जाएगा कनकेव शेप ले लेगा, देखिए इस शेप का जस्ट अपोजिट शेप यहाँ पे है। उसके बाद जैसे ही एमपी आपको सेवंथ यूनिट के बाद, देखिए एमपी आपको नीचे जा रहा है, ठीक है, जीरो से भी कम निगेटिव में जा रहा है, तो उसमें टीपी को क्या करेंगे आप नीचे की तरफ लेते आएंगे, घटाते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेज वन,
स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये हो गया स्टेज टू, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और ये हो गया स्टेज थ्री, स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न्स। तो ग्राफ के द्वारा आपको हम बताएं कि किस तरह से जो है आपको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक चीज और आपको याद रखना है कि ये पॉइंट बी जो है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ये वो पॉइंट है जहां से आपको पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स में था, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स में हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्न ले लिया, जो टोटल प्रोडक्ट का जो शेप है वो आपको टर्न लिया, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बी तक, बी से पहले तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो है आने लगा। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द कर्वेचर ऑफ टीपी कर्व चेंजेस फ्रॉम कन्वेक्स टू कॉनकेव, जो कि हम बता दिया आपको। टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट बी एंड आफ्टर द पॉइंट टीपी बिगिंस टू राइज एट फॉलिंग रेट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।